आज लगातार बारिश, सेम टू सेम पहले धूप बारिश। आज 12वां दिन है सर, हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार अपील करते रहे कि आप लोग यहाँ पे आओ, हमसे एटलीस्ट इतनी बात करो कि हमारी लिस्ट क्या होने वाला है। अब क्योंकि हमें पता लगा कि हमारी जो रिपोर्ट है वो फाइनलाइज हो चुकी है, स्टिल हम एक उम्मीद में, एक होप में अभी भी यहाँ पे बैठे हैं कि हमें भी एक उम्मीद है सरकार से कि वो हमारी लिस्ट को स्क्रैप नहीं करेगी। और इसी उम्मीद के साथ आज हम यहाँ पे बैठे हैं और बिल्कुल पीसफुल तरीके से बैठे हैं। आपको कल का इंसिडेंट बता दें सर, कल हम यहाँ पे आए, पीसफुली बैठने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आने वाले थे तो हमें यहाँ पे बैठने नहीं दिया गया। इवन आपके पास कुछ क्लिप्स भी आई होंगी कि पुलिस ने हमें डिस्पर्स करने की कोशिश की गई, हमने वहाँ पे भी कॉपरेट करा और हम अपने अपने घरों में चले गए। और आज हम वापस आके पीसफुली अपनी वही वापस डिमांड रखने वाले हैं कि हमारी लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। स्क्रैप सॉल्यूशन नहीं है सर। बात करप्शन की हो रही है, अभी आर्टिकल्स देख रहे हैं कुछ न्यूज़पेपर में, बार बार करप्शन को हाईलाइट किया जा रहा है कि हमारी यूटी में से करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल करें सर, आज आप करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आज जो हमारी डिमांड है वो भी यही है कि करप्शन को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। लेकिन क्या सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, क्या सिर्फ स्क्रैप सोल्यूशन है क्या करप्शन को ख़त्म करने का? सर 99 सोल्यूशंस हो रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन नज़र आ रहा है, वो है स्क्रैप। और मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन बिल्कुल भी सही नहीं है, इसका इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन पर, आने वाले पीरियड पर, आने वाले टाइम पर पड़ने वाला है। क्या गारंटी है कि सर हमारे स्क्रैप डील स्क्रैप होने से उसके बाद करप्शन खत्म होने वाली है? JKPSI को स्क्रैप किया गया, अभी तक किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल, कोई भी कल्प्रिट अभी तक कहीं से भी किसी ने नहीं सुना कि क्या था। तो ये कहीं ना कहीं सर ऑफिशियल्स को बचाने की, अपनी सरकार को बचाने की कोशिश की जाती है और हमारी बलि दे दी जाती है। हालांकि हम बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, हम एक एक चीज़ बोलने को तैयार हैं सर, कॉपरेशन में इनको क्या चाहिए, हम एफिडेविट तक देने को तैयार हैं। यहाँ पे बैठा एक एक बच्चा ये तैयार है कि मैं एफिडेविट दूंगा, आप जैसा फाइन इम्पोज करोगे हम फाइन देने को तैयार हैं अगर हम में से कोई भी यहाँ पे कल्प्रिट निकला। लेकिन ये कम्प्लीटली स्क्रैप करके चीज़ों को दबाए जाना, और अगर सर करप्शन हुई भी है तो इसमें क्या हम लोगों की गलती है, हम बच्चों की गलती है? ये पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि इसमें सिस्टम की गलती है, सरकार की गलती है, उन लोगों की गलती है जो बीच में शामिल थे, उन्हें बाहर निकालें, ना कि हम लोगों के साथ गलत करें। हमारी 2 साल की मेहनत को बिल्कुल ऊपर ऐसे पानी फेर देंगे ये, और बाद में बोलेंगे कि हमने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सर मैं आपके मीडियम, आपके माध्यम के थ्रू ये चीज़ पूरी पब्लिक तक पहुंचा दूं कि ये एक तरीका है, पहले आप करप्शन करते हैं, फिर करप्शन के बेसिस में फिर आप स्क्रैप की जाती है, और फिर आप ये दिखाते हैं कि हमने करप्शन को ख़त्म किया। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है सर, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपके पास जो 99% बाकी चांसेस हैं, आपके पास एजेंसीज हैं, बहुत पावरफुल कंट्री है सर, बहुत पावरफुल स्टेट है हमारी, तो इसी के बेसिस पे कुछ किया जाए ताकि एक एग्जांपल सेट हो और हम बच्चों के साथ गलत ना हो।